हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्य चौहान और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आपके पास ये GTPL का सेटअप बॉक्स है तो आप उसके रिमोट को एज ए टीवी के अंदर यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, यानी इसके अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटी दी है ताकि आप इस रिमोट कंट्रोल का यूज़ करके आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि आपको टीवी का ये ऐसा जो दूसरा रिमोट आता है तो दो दो रिमोट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई भी सेटअप बॉक्स चलाते हो तो आपको बेसिक क्या कंट्रोल करना होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका वॉल्यूम टीवी का चेंज करना होता है, या तो टीवी को ऑन ऑफ करना होता है, या तो उसका ऑडियो सोर्स चेंज करना होता है। तो इस GTPL के जो सेटअप बॉक्स है उसमें आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो GTPL का सेटअप बॉक्स है उसका रिमोट कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है टीवी कंट्रोल और यहाँ पे पांच स्विच दिया है, जिसमें से एक ऑन ऑफ के लिए है और एक टीवी इन लिखा है, वी प्लस, वी माइनस और सेट ऐसा लिखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये जो सभी बटन है उसको कॉन्फिगर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरे जो हमारा टीवी है उसका रिमोट है, तो उसको हम लोग ये GTPL का जो सेटअप बॉक्स है उसके रिमोट कंट्रोल के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका GTPL का जो रिमोट कंट्रोल है उसके यहाँ पे सेट लिखा है उसको दबा के रखना है, जब तक कि यहाँ पे ये जो लाल लाइट है ना रेड कलर की वो ऑन ना हो जाए। यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइट ऑन हो जाए उस तब तक आपको इसको दबा के रखना है, ठीक है। एक बार रेड लाइट ऑन हो गई तो उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। अभी हमें कॉन्फ़िगर करना है ये टीवी, ये जो ऑन ऑफ वाली स्विच है उसको, तो इसको प्रेस करना करके रखना है और टीवी के जो रिमोट है उसके सामने उसको प्रेस करना है, दोनों को एक साथ प्रेस करना है और थोड़ा सा ये रिमोट को इधर उधर रखना है। फिर से आपको एक बार देख लीजिए, दो तीन बार इस तरह से इसको करना है जब तक कि ये कन्फिगर ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक जो हमारी ये ऑन ऑफ वाली स्विच है उसको इसके साथ कन्फिगर किया। फिर से दूसरी जो हमारी स्विच है उसको कन्फिगर करना है, तो उसके लिए वापस इस सेट को आपको दबक के रखना है जब तक कि यहाँ पे रेड कलर की लाइट ना हो जाए। अभी हमें V प्लस को कन्फिगर करना है, तो V प्लस यहाँ का और यहाँ पर वॉल्यूम प्लस दोनों को एक साथ दबाना है। ठीक है, एक एक के बाद एक इस तरह से आपको दबा के रखना है। देखिए ये ब्लिंक हो रही है, ऐसे दो तीन बार आपको दबा देना है जब तक ये ऑफ ना हो जाए। उसके बाद वापस से इसको एक बार सेट दबा देना है। सेम उसी तरह से हम वॉल्यूम माइनस को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो फिर से यहाँ पे सेट दबा के रखना है और फिर यहाँ पे वी माइनस और यहाँ पे वी माइनस। इस तरह से आपको दो तीन बार इसको कॉन्फ़िगर करना है। देखिए एक बार हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेट बटन फिर से दबा देना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे टीवी इन लिखा है, तो ये हमारा सोर्स रहेगा, यानी कि हमें ऑडियो सोर्स में, यानी कि ऑडियो या वीडियो सोर्स में हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे सोर्स को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो चलिए फिर से एक बार सेट दबा देते हैं और यहाँ पे सोर्स को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आपको दो तीन बार इसको इस तरह से दोनों साइड की जो स्विच है वो दबा के रखना है और ये दोनों का जो इंफ्रारेड सेंसर है वो आप सामने सामने रहना चाहिए, उस तरह से आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे हमने ये जो हमारा GTPL का जो रिमोट कंट्रोल है उसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। चलिए अभी एक बार मैं आपको टीवी पर भी ये जो स्विच है उसका उपयोग करके टीवी को भी हम लोग ऑन ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको भी ये GTPL का जो सेटअप बॉक्स का रिमोट है होता है उससे टीवी को कैसे कंट्रोल करना है वो अभी आ गया होगा, और ये ट्रिक भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी क्वेरी है या तो कोई भी प्रश्न है तो आप हमारी कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार विजिट करके ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।